Hello everyone, welcome to the Hindu and Indian Express in 5 minutes. This is part of Synopsis special course programs. ये जो special courses हैं ये part है prelims, mains, classroom, optionals का भी part है और test series का भी part है. तो एक intimation ये है कि जिन्होंने भी optional classroom या फिर ये वाला classroom, pre या mains का classroom course join किया हुआ है तो next year के लिए उनको without any extra payment सेम कोर्स में अपग्रेड किया हुआ है. तो 8 टू 11 का करंट अफेयर्स देखते हैं. आप ये देखते हो कि जो बैट्स हैं चमगादड़ होते हैं ये हार्मफुल वायरस को हार्बर करते हैं. ऐसा क्यों होता है? जब ये लोग इंसान को या चूहों को अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जो बैट्स हैं उनको वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन जो होती है इसको अवॉइड करते हैं. इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी रेड हो जाना, सूजन आ जाना, ये सारी चीज़ें. ठीक, देन वन टर्म जो यूज़ होती है दैट इज़ डार्क फाइबर. जब आप देखते होंगे फाइबर कनेक्शन जब बिछाते हैं, ठीक है, पाइप होंगे या फिर जो भी ये कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन जब भी बिछाई जाती है तो कंपनीज, सपोज यहाँ पर चार लाइन रिक्वायर्ड हैं तो कंपनीज पांच या छह लाइंस एक्स्ट्रा बिछा देंगी. तो जो ये दो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम डार्क फाइबर कहते हैं. इसका नीड ये है कि कल के दिन सपोज़ आपको अपनी कैपेसिटी इन्हांस करनी पड़ी तो आपको रीलेइंग केबल नहीं करनी पड़ेगी. इंडिया में क्या है, BBNL है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये भारत नेट को लागू करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. तो अब कुछ प्राइवेट कंपनी लाइक जियो हुआ, एयरटेल हुआ, वोडाफोन, ये सब लोग गए BBNL के पास कि आपने जो ये डार्क फाइबर बिछाया हुआ है ये हमें दे दो इसका एक्सेस, तो हम ग्राम पंचायत तक अपनी एक्सेस इंटरनेट की प्रोवाइड कर देंगे. देखो जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं या इनफैक्ट अदर देन जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसकी रीच ग्राम पंचायत तक नहीं है, विलेजेस तक है, टाउन्स तक है. तो बाकी कंपनीज़ स्पेशली रिलायंस गई, उनके पास पैसे भी दिए हैं उनको कि आप हमको इसकी एक्सेस प्रोवाइड करो. देन आर्टिलरी गन्स, देखो इसमें जो हम गन्स की बात कर रहे हैं वो ये वाली गन्स हैं, हॉविट्सर, ये इस टाइप की गन्स होती हैं, बोफोर्स, ये सारी ऐसी ही गन थी. तो ये कुछ नाम हैं आपको रटने पड़ेंगे. सारंग एक ये 130 mm बोर की आर्टिलरी गन थी, अभी ये रिसेंटली 155 mm में कन्वर्ट हुई है, इसकी रेंज भी इंक्रीज़ हो गई है. देन M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्सर सीरीज़, ये USA से ली है, ये भी 155 mm है. K9 वज्रा टी, ये भी आपका सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है. बोफोर्स USA से ख़रीदी हुई थी हमने, ये भी 150 mm गन है, अभी सर्विस में है. इसका केस पूरा आपको मालूम है, पूरा जो डिबेट चलती है. देन धनुष भी इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं हम, यूज़ करती है इंडियन आर्मी, बोफोर्स की तरह ही हमने ये बनाने की कोशिश की है. देन अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट पॉलिसी, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज़ आई है, तो ये तो खैर आप मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट तो आप खुद सोच सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री है. जो इम्पॉर्टेंट इशू है इसमें प्री के लिए, व्हाट इज़ रेयर डिजीज़ या ऑर्फन डिजीज़. देखो रेयर डिजीज़ जो होती हैं बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों को होती हैं, और ये इतने कम लोगों को होती हैं कि जो भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको इतना इंसेंटिव नहीं देती कि आप इनको बेच के, आप इनको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर लोगे. लैक ऑफ मार्केट लार्ज इनफ टू गेन सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर डिस्कवरिंग ट्रीटमेंट फॉर इट. तो इसीलिए ये नॉर्मली नेगलेक्टेड हो जाती हैं. इनके लिए जो भी गवर्नमेंट काम करती है या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी सपोर्ट अवेलेबल है वो मेनली गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से है, प्राइवेट सेक्टर इनसे दूर भागता है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा. ऐसे ड्रग्स जो कभी कभी क्रिएट कर ले गए हैं उनको ऑर्फन ड्रग्स या फिर अनाथ ड्रग्स कहते हैं. रेयर डिजीज़ को कभी कभी ऑर्फन डिजीज़ भी कहा जाता है. देन कावेरी डेल्टा रीजन, ये तमिलनाडु का राइस बाउल है, ठीक है, तो इसको PSAZ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन इस नाम से अब जाना जाएगा, डिक्लेयर करने वाले हैं इसको. देन सुपर कैम, ये नासा का एक रोवर है, ठीक है, मार्स पर जाएगा और ये लेज़र यूज़ करेगा रॉक्स की स्टडी करने के लिए, और इस रेड प्लेनेट पर पास्ट लाइफ क्या थी उसके जो सिम्टम्स हैं वो देखेगा. देन अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये बांग्लादेश इंडिया को जोड़ेगा. तो दैट्स इट. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये मैं आपको कल परसों बता चुका हूँ, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है जीनोम इंडिया. इसके पीछे जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो मेन्स इन 300 टॉपिक का पार्ट होंगे, लाइक इसका कैसे मिसयूज़ या यूज़ किया जा सकता है. देन थर्मो एकोस्टिक इनस्टेबिलिटी इन रॉकेट, देखो नासा ने जो अपोलो 11 वगैरह ये सब स्टार्टिंग में जब लॉन्च करने स्टार्ट किए थे तो बहुत से रॉकेट्स थे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उसका रीज़न था दिस TAI, थर्मो एकोस्टिक इनस्टेबिलिटी. इसको हम हाई एम्पलीट्यूड प्रेशर ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है. तो इसमें ये क्या होता है, फेलियर ऑफ सम स्पेस रॉकेट्स,
कुछ स्पेस रॉकेट का फेलियर इसकी वजह से जुड़ा हुआ है। रीज़न क्या है? अनइवन बर्निंग ऑफ फ्यूल हो जाती है। सपोज़ ये आपका फ्यूल टैंक है जहाँ बर्निंग होनी थी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पर बर्निंग ज़्यादा हो गई, यहाँ कम हुई, यहाँ पर बर्निंग ज़्यादा हो गई, तो अल्टीमेटली ये जो रॉकेट ये है क्रैश हो जाता है। फाइन। और ये एग्जैक्टली जो अभी इसकी न्यू स्टडीज़ हैं वो यही बताती हैं कि जैसे कैंडल फ्लेम जिस तरह से आपकी फ्लिक करती है इधर उधर बिकॉज ऑफ अनइवन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अराउंड इट, तो सेम वही रीज़न है, उसी वजह से रॉकेट्स भी फेल हो जाते हैं। देन बायो स्ट्रेटिग्राफी कंटेम्प्रेरी इशूज़ देखते हैं। ये ब्रांच ऑफ स्ट्रेटिग्राफी है, जियोलॉजी ऑप्शनल में तो खैर ये पूरी टॉपिक है, यूनिट है, ठीक। तो ये क्या स्टडी करती है कि फॉसिल साइंस प्लस स्ट्रेटिग्राफी दोनों को कंबाइंड करके जो साइंस बनती है दैट इज़ बायो स्ट्रेटिग्राफी। ये फोकस करती है कोरिलेशन और रिलेटिव एज ढूंढने में कि रॉक स्ट्रेट आप ढूंढोगे कि यहाँ पर कोई फॉसिल है, ठीक है, तो आप इसकी फॉसिल असेंबलीज के बेस पे यहाँ पर उसको आप आइडिया लगाओगे कि अगर ए रीज़न में यही एक फॉसिल मिलता है तो बी रीज़न में वही फॉसिल मिला है तो फिर वो रिलेटिव होंगे उस, ठीक है। तो एक जो ये वाला है डाइनोथेरियम इंडिकम, ये एक एलिफेंट है, नाम याद करने की नीड नहीं है, हालांकि इस साल वो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है डेनिसोवन, बट अगर आपको मन करे तो रट सकते हो, ठीक है। इट इज़ टाइप ऑफ एलिफेंट, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एलिफेंट्स के रिलेटिव्स हैं और कच्छ में पाए जाते हैं। देन जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है ये यूपी में दो डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दिया है वहाँ के सीएम ने, नोएडा एंड आई थिंक गौतम बुद्ध नगर। तो ये ऐसा नहीं है कि नया है, इंडिया में बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑलरेडी चलता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जगह पर है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1856 में कलकत्ता और बॉम्बे से। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में होता क्या है, नॉर्मली जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी दो हायरार्कीज होती हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और एक होती है उनकी जो पुलिस डे टू डे जो उनको मेजर ऑर्डर्स देने होते हैं, लाइक डिटेंशन हो गया, ठीक है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, राइट्स हो गए, कर्फ्यू। तो ये जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें उनको देता है आईपीएस ऑफिसर, और जो ये वाले हैं ये आते हैं आईएएस ऑफिसर की तरफ से। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम में आईएएस ऑफिसर का रोल हट जाता है, दोनों ये वाले रोल आईपीएस के अंडर में ही आते हैं या पुलिस कमिश्नर के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो जो सोली सोराबजी कमेटी है इन्होंने ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट में ये बताया था कि यूनिफॉर्म लॉ बना हुआ पुलिस फोर्सेस के लिए सारी कंट्रीज़ में। और अब देखो रिफॉर्म्स में जो इंपॉर्टेंट इशू है कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस दोनों स्टेट लिस्ट में, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि बल्क ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स आप ही इनिशिएट करो। देन वन बिहार नेशनल पार्क, नॉट बिहार, इट इज़ बिहार, भोपाल में है और यहाँ टाइगर पाए जाते हैं। देन नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, जब भी इतने फालतू से नाम दिखे ना तो ये समझ लेना नीति आयोग के काम है। तो लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए है, जो भी आप सेलफोन चलाते हो वो LiAIN बैटरीज़ होती हैं, और इन्होंने कहा था कि ये इंडिजिनस हम प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए ये मिशन है। और रीज़न क्या है कि फोर फोल्ड जंप होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज ही होता जा रही है लिथियम आयन बैटरीज़ के इम्पोर्ट में। देन ये समक्का सरक्का जात्रा, ये मेदारा में एक विलेज है तेलंगाना में, वहाँ सरक्का डाइटी गॉड है, ये ट्राइबल गॉड है, वहाँ ये अभी अभी कंक्लूड हुई है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था आपको। देन मुक्तोश्री, ये है आर्सेनिक रेसिस्टेंट राइस, वेस्ट बंगाल में डेवलप किया जा रहा है। होता क्या है कि आर्सेनिक, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ आर्सेनिक पाया जाता है ग्राउंड वाटर में, तो आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में हो चाहे सॉइल में हो फूड चेन में एंटर करता है पैडी या राइस के थ्रू, तो इसके लिए मुक्तोश्री वैरायटी बनाई जा रही है। देन डोम सुफिद, ये वैरायटी ऑफ बासमती राइस है और बेसिकली ये ईरान को बिलोंग करती है। देन जैसे कि जीन मैपिंग का अभी हमने टॉपिक देखा, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ मेंस इन 300 टॉपिक्स। देन आरओ सिस्टम, इसको हम डिटेल में साइंस एंड टेक वाले पार्ट में तो पढ़ेंगे ही, आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा भी दिया था। तो इसके जो इश्यूज़ हैं, क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कि इसमें जो वाटर का वेस्टेज, आपके घर में जो रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर है हेमा मालिनी के कैंट वाले या और कोई से, तो इश्यूज़ उसमें ये हैं कि आप 4 से 5 times तो वाटर फालतू में वेस्ट कर देते हो, और जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाता है, लाइक कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, तो वाटर आपके लिए हेल्दी नहीं रहता है, और साथ में वायरसेस तो एलिमिनेट करता ही नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस ई वायरस है। देन सुप्रीम कोर्ट ने एक जो SC ST एट्रोसिटी लॉ था, ठीक है, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, उसको अपहेल्ड किया, ठीक है। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि एंटिसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था, मतलब कोई भी अगर इस कैटेगरी का इंसान जाके पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि सम पर्सन अदर देन आर क्लास या कास्ट
उसने हमारे साथ एट्रोसिटी करने की कोशिश की है तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो बिना जांच पड़ताल के उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, तो ये अमेंडमेंट पे पूरा इशू जो हुआ था आपको मालूम होगा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अमेंडमेंट फाइनली ठीक है, आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा अगर ऐसी कुछ कोई भी शिकायत कर देता है। लेकिन कोर्ट ने अभी एक चीज़ कही, एक्सेप्शनल केसेस में हाई कोर्ट इस तरह के केसेस को क्वेश्चन कर सकता है ताकि मिसयूज़ ना हो। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मिसयूज़ हो रहा था इस चीज़ का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फाइनल जजमेंट दे दिया है। देन एक और जजमेंट जो अभी रिसेंटली दिया है, देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। देन एक और है जो शबरीमाला इशू के ऊपर है, अभी लार्जर बेंच बनी हुई है, रिव्यू पिटीशन, ये सारी चीज़ें चलेंगी बहुत दिन तक। तो फाइनली जो ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी सेंड टू लार्जर बेंच, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं ये आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी में सब सर का लेक्चर जुडिशरी है उसको देख लेना, वहाँ आ जाएगा। देन एक और फालतू से न्यूज़ है कि तमिलनाडु के स्कूल्स में वेजिटेबल गार्डन्स बनेंगे, तो इसको कहीं लिखना हो लिख देना। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस फोर डेज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।